कासगंज जिले में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में उचित दर दुकानों के संचालन की जमीनी स्तर पर वास्तविकता का पता लगाने हेतु आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिला पूर्ति अधिकारी संजय गंगवार व अन्य आपूर्ति कर्मियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों का आकस्मिक व गहन निरीक्षण किया। इस कड़ी में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत देवरी प्रहलादपुर विकासखंड सोरो के उचित दर विक्रेता रामरज की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया। यहां निरीक्षण के समय उचित दर विक्रेता उपस्थित मिले। उचित दर दुकान पर आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित पाई गई तथा कैमरा लगा पाया गया। उचित दर विक्रेता के स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया जो अद्यावधिक पाया गया तथा तृतीय स्तर का सत्यापन पाया गया। कार्ड धारकों से वितरण के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जाना स्वीकार किया। देखिए आज मेरे द्वारा जनपद में जो राशन वितरण की दुकानें हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है। अभी हम लोग 3-4 दुकानों पर देख कर आए हैं। मेन और मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि जो जनपद में डोर स्टेप डिलीवरी की योजना लागू हुई है उससे हमारे राशन डीलरों को क्या सुविधाएं हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, साथ ही साथ जो आपस में जो आम जनमानस हैं, जो हमारे कार्ड धारक हैं, उनकी कोई यदि समस्याएं हैं और स्टॉक वगैरह का वेरिफिकेशन आदि वो किया गया है। उसके बाद अभी हम वर्तमान में यहाँ नगर पालिका में खड़े हुए हैं जहाँ पर एक विनियमित क्षेत्र के माध्यम से हमारी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक लाइब्रेरी तैयार की जा रही है, उसी लाइब्रेरी के इंस्पेक्शन। निरीक्षण के समय तक उचित दर विक्रेता के द्वारा 55 अंत्योदय कार्ड एवं 836 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों कुल 891 कार्डों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना पाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चावल का वितरण होना पाया गया। उचित दर विक्रेता से पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न का उठान सिंगल स्टेज के माध्यम से होना बताया गया। साथ ही काटा बाट की रसीद का अवलोकन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन तौल कर देखने पर कांटा सही पाया गया। डीएम ने कहा कि उचित दर विक्रेता को निर्देशित किया गया कि अवशेष बचे कार्ड धारकों को नियमानुसार चावल का वितरण करना सुनिश्चित करें। कार्ड धारकों से वितरण के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जाना स्वीकार किया।